अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। देवास शहर में मक्सी रोड पर बने फ्लाई ओवर ब्रिज की पर्यटन, संस्कृति एवं अध्यात्म विभाग की मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने किया लोकार्पण। केंद्रीय सड़क निधि योजना में 26 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से बना 500 मीटर लंबा ब्रिज। प्रदेश सरकार ने किसानों सिंचाई के लिए पानी और बिजली की सुविधा कराई उपलब्ध, गांव-गांव सड़कें बनाई मंत्री सुश्री उषा ठाकुर। प्रदेश की पर्यटन, संस्कृति एवं अध्यात्म विभाग की मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने देवास शहर में मक्सी रोड पर केंद्रीय सड़क निधि योजना में 26 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से बने 500 मीटर लंबे फ्लाई ओवर ब्रिज किया। इस दौरान विधायक देवास श्रीमती गायत्री राजे पवार, नगर निगम महापौर श्रीमती गीता अग्रवाल, नगर निगम सभापति श्री रवि जैन, बीजेपी अध्यक्ष श्री राजीव खंडेलवाल, श्री दुर्गेश अग्रवाल, श्री बहादुर मुकाती, श्री मनीष सोलंकी सहित अन्य जनप्रतिनिधि, कलेक्टर श्री ऋषभ गुप्ता, पुलिस अधीक्षक श्री संपत उपाध्याय, सीईओ जिला पंचायत श्री हिमांशु प्रजापति, नगर निगम आयुक्त श्री रजनीश कसेरा, श्री आर के कटारिया सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। प्रदेश की पर्यटन, संस्कृति एवं अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा देवास को बहुत सी सौगातें दी है। देवास का चहुमुखी विकास किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में आज किसानों को सिंचाई के लिए पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश में गांव-गांव सड़कें बनाई गई है। प्रदेश के हर गांव में विकास कार्य किया जा रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा जनता का जीवन स्तर सुधारने का कार्य किया जा रहा है। लाडली लक्ष्मियों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। लाडली बहनाओं के लिए योजना बनाई गई है। लाडली बहना सेना का गठन किया गया है। लाडली बहना सेना गांव में महिलाओं को योजनाओं की जानकारी देंगी, उन्हें योजना का लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। विधायक देवास श्रीमती गायत्री राजे पवार ने कहा कि प्रदेश सरकार ने देवास के विकास में कोई कमी नहीं रखी है। देवास के विकास के लिए 5 साल का विजन बनाया गया है। देवास में फ्लाई ओवर ब्रिज है। कुछ ही समय पहले मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा एबी रोड पर बने फ्लाई ओवर ब्रिज था। देवास में स्पोर्ट पार्क बनाया गया है। माता जी की टेकरी पर विकास कार्य किए गए हैं। देवास में जिला अस्पताल में 100 बेड का मैटरनिटी हॉस्पिटल होने वाला है। नगर निगम महापौर श्रीमती गीता अग्रवाल ने ब्रिज के लोकार्पण पर शुभकामना संदेश देवास की जनता को दिया। बीजेपी अध्यक्ष श्री राजीव खंडेलवाल ने कहा कि विकास के नए आयाम स्थापित किया जा रहे हैं। देवास को कई सौगातें दी गई है। देवास शहर का चहुमुखी विकास हो रहा है। सुश्री उषा ठाकुर जी का देवास विधानसभा की ओर से कैबिनेट मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी। माता की भारतीय जनता पार्टी आज मंडी रोड पर बनने वाले बहुप्रतीक्षित मोदी जी का कहना है कि 2000 ये जो कोरोना आया 2 वर्ष, इसने सारे भूमंडल को, पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया और मनुष्य के दिमाग में बात अच्छे से समझ में आ गई कि भौतिकता से दंत मानवता यदि सुख शांति संतुष्टि पाएगी तो वो भारतीय संस्कृति के नेतृत्व में पाएगी। तो 21वीं शताब्दी का जगत गुरु भारत बनते एक पल की भी देर लगी नहीं। हम सड़कों की बात करें, आज इतने बड़े बड़े ब्रिज एक एक विधानसभा को मिल रहे हैं। आप कल्पना तो कीजिए कि 2003 में सड़कों का नामो निशान खत्म हो गया। आज पूरे प्रदेश में 5 में वो परचम फहराया कि दक्षिणी ध्रुव पर हमने जाके अपना चिन्ह अंकित किया। तो ये देश 1947 में आजाद हुआ, आज 75 वर्ष हुए और प्रधानमंत्री जी का आह्वान है अमृत काल 2047 तक इस देश को विश्व की शक्ति हम बना कर रहे हैं। मैंने एक नवाचार किया,
मैं आदरणीय भाभी को भी निवेदन करती हूँ, वो बड़े विजनरी लीडर है, वो भी इस काम को जरूर करेंगे। मैंने अपनी विधानसभा में और प्रदेश के सभी विधायक साथियों को पत्र लिखा, हमने हमारे 253 विद्यालयों के नाम क्रांतिकारियों के नाम हमारे धरातल पर उतारने का सामर्थ्य रखने साथियों, और आप सबके आशीर्वाद का प्रतिफल है कि राष्ट्रनायक ने 500 साल की राम मंदिर की संकल्पना को साकार कर पाए, वो आप सबके आशीर्वाद के मतों के रूप में 2014 में मिले हुए कि आज राम लला का मंदिर 2024 में बनकर पूर्ण होगा और आप हम सब उस मंदिर के दर्शन पाए। हम सब जानते हैं अभी मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार, क्योंकि माननीय राष्ट्रनायक मोदी जी का कहना है कि 2000 ये जो कोरोना आया 2 वर्ष, इसने सारे भूमंडल को पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया और मनुष्य के दिमाग में बात अच्छे से समझ में आ गई कि भौतिकता से दर्द मानवता यदि सुख शांति संतुष्टि पाएगी तो वो भारतीय संस्कृति के नेतृत्व में पाएगी। फिर से सत्य सनातन परंपराएं वेदों की ओर लौटो, शुद्ध सात्विक जीवन जियो, पूरे विश्व के दिमाग में बात आ चुकी है। राष्ट्रनायक जी ने प्रेरित किया था कि स्पिरिचुअल टूरिज्म के विकसित करने की आप लोग संकल्पना करें, हमने उनके आदेश को मानते हुए आप सबके आशीर्वाद से मुझे धर्म सुधार विकास की सेवा मिली हुई है, तो हमने सबसे पहले महाकाल महालोक बनाकर वादे किए हुए काम पूरे करके और उससे आगे 4 कदम बढ़कर हमने काम किए हैं देवास के लिए, विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है और विकास की गति जो थी पिछले 5 सालों में हमने दुगनी करने का पूरा प्रयास किया है और उसमें सफल भी हुए हैं। चाहे वो सड़कें हो, ओवर ब्रिजेस हो, देवास के दिल को चीरने वाली है ये भी रोड, इसको हमने पूरी तरह से नहीं बनाकर आप लोगों को लोकार्पित किया, इसके ऊपर 2 ओवर ब्रिजेस बनाकर आप लोगों को दिए, ये मंडी का ओवर ब्रिज 28 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है, बनकर तैयार है और आगे ए बी रोड पर एक और भव्य ओवर ब्रिज बनाकर हमने लोकार्पित माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से किया। मेंढकी का ओवर ब्रिज भी लोकार्पित कर चुके हैं। रास्ते हमने केवल ए बी रोड को ही नहीं, देवास की हर गली, हर वार्ड, हर कॉलोनी में देने का प्रयास किया है और इन्हीं मूलभूत सुविधाओं से वंचित एक मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उसमें देवास ही देखा जाए तो पानी से वंचित देवास, जहां स्वर्गीय महाराज साहब ने आपको टैंकर से रेलवे से पानी लाकर पिलाया था, आज उस देवास में बहुत गर्व के साथ हम बोल सकते हैं कि घर घर में पीने का पानी उचित मात्रा में उपलब्ध है। कोई घर से, कोई गली से, कोई मोहल्ले से कभी कंप्लेन नहीं आ रही है कि पीने का पानी देवास में नहीं मिल रहा है। 4 फेज में 200 करोड़ की लागत से हम लोगों ने 450 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाकर 16 टंकियां बनाकर देवास को पीने के पानी की समस्या से निजात दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में किया है। उसी के साथ चमचमाती हुई सड़कें, हमने आपको ये केवल ए बी रोड ही नहीं, बाईपास का रोड सुंदर बनाकर लोकार्पित किया है। अभी दीदी आई थी तो बोल रही थी कि आपके देवास में प्रवेश करते समय जो स्पोर्ट्स पार्क बने हुए हैं वो देखते ही बनते हैं, इतनी सुंदर व्यवस्था आप लोगों ने देवास में की है कि जो देवास एंटर कर पीजी तक पहुंचाने के लिए, ये प्रेम है जनता का, ये प्रेम है महिलाओं का, बहनों का, बेटियों का, और इसी की कड़ी में हमने मार्गदर्शक हमारी पार्टी की एक बहुत ही वरिष्ठ नेता माननीय शिवराज सिंह जी की कैबिनेट में एक बहुत ही अहम भूमिका निभा। दीदी बता दूं, 500 बेड का मैटरनिटी हॉस्पिटल देवास में सैंक्शन हुआ है, 100 बेड का मैटरनिटी हॉस्पिटल बनकर अगले महीने लोकार्पित हो जाएगा। 100 बेड के इस हॉस्पिटल में माताओं बहनों को
वो सब उचित सुविधाएं मिलेंगी जो एक सर्व सुविधा युक्त मॉडर्न हॉस्पिटल में मिलती है। धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से समय निकाल के हमारे इस महत्वपूर्ण ब्रिज के लोकार्पण के लिए समय दिया, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आप सबको राखी के उपलक्ष्य में आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। हमारी पार्टी की एक बहुत ही वरिष्ठ नेता माननीय शिवराज सिंह जी की कैबिनेट में एक बहुत ही अहम भूमिका निभा रही है, ऐसी हमारी दीदी उषा ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय राजीव खंडेलवाल जी, महापौर श्रीमती गीता अग्रवाल, बैठे हुए कार्यकर्ता बंधु भाइयों और बहनों सभी को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण पल पर यहाँ उपस्थित होकर एक बहुत ही खुशी की अनुभूति भी हो रही है और गर्व की अनुभूति भी हो रही है। देवास की प्रगति में, देवास के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ये 5 साल पहले वादा किया था माननीय शिवराज सिंह जी ने और मैंने। क्या है नवनिर्मित कांग्रेस पर आपने जमकर निशाना साधा और आपने देशद्रोही करार दिया है कांग्रेसियों को, मंच से अभी जो आपने भाषण दिया, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उनकी रीति नीति से पूरा प्रदेश और पूरा देश परिचित है और कोई भी व्यक्ति यदि निष्पक्ष समीक्षा करेगा तो मुझे लगता है वो यही जी। मंडी जी, क्या दूसरा सवाल है, हंगाल लोग छिंदवाड़ा में हनुमान लोग यहाँ चामुंडा माता जी का आपने कम से कम 4 से 5 बार अपने भाषण में जिक्र किया, कोई देवी लोग या देवी न्यास की कुछ बात करेंगे? प्लानिंग है अभी सलकनपुर को पहले चरण में किया है और फिर मुझे लगता है कि माँ चामुंडा। 39 टिकट घोषणा के बाद में एक जम की मुद्दा गरमाया हुआ जिसमें स्थानीय का मुद्दा है और कहीं ना कहीं उन टिकटों पर विरोध आ रहा है कि स्थानीय को टिकट दिया जाए। देखिए क्या होता है, जैसे अब हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल होती है, परिवार बड़ा होता है तो मतभेद ये चलता रहता है, पर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इतना अनुशासन से बैठा है कि जिसको मिल गया ठीक है, एक अपना मांगना सबका अधिकार है, पर जिसको मिल गया भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्राण प्रण से जुटकर उसको जिताता है। आपने चुनाव सामने 51% से अधिक मतदान एक बूथ पर करने की बात कही, क्या विषय है वो? जी, विषय यही है कि हमारी अधोसंरचना, हमारे जितनी पंच निशा, हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, हम सामाजिक समरसता के लिए काम करते हैं, हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए काम करते हैं, हम मूल्यों पर आधारित राजनीति की बात करते हैं, हमारी पंच निष्ठाएं जिस प्रकार से हमको प्रेरित करती है काम करने के लिए, और हमारे दोनों ही नेता राष्ट्रनायक मोदी जी ने, भाई जननायक भैया शिवराज जी ने जिस प्रकार से अद्भुत, यानी आप सोचिए 15 माह कांग्रेस के पास थे, 2 माह 2 साल कोरोना, उसके बाद 1.5 साल के छोटे से कार्यकाल में जो कीर्तिमान स्थापित हुआ वो अद्भुत है, अनूठा है, अकल्पनीय है, और निश्चित रूप से प्रदेश की जनता इस बात को समझती है और हर बूथ पर से 51% से जीतने का लक्ष्य हमने निर्धारित किया। हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, हर बूथ पे हमारी समितियां हैं, कार्यकर्ता काम। खास बात है कि आपने युवाओं